I've fallen in love with I Love. I love you. Del bole, wow. इनका नाम नथू राम है। जब इनको दारू चढ़ती है तो ही इनकी गाड़ी चलती है। और ये है इस लॉरी का क्लीनर। नथू राम से बची हुई दारू ये गटक लेता है। गुरु चेले दोनों ही बेवड़े हैं। अरे ये रोड मुझे सिक्स ट्रैक क्यों देख रहा है रे? रात को तू दारू कहाँ से लाया था? भैया वो क्या है ना, थोड़े पैसे कम थे ना, इसलिए वो अपना कमला शॉप है ना, उसकी बाजू वाली दुकान से लेकर आ गया। ठीक अदा कहीं का, उससे मेरा नाम बोलना था ना? बोला था, चप्पल से पीट कर भगा दिया। हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन कुछ भी हो, एक घूंट दारू नहीं चढ़ती तो गाड़ी नहीं चलती है। स्टेपनी बेच देते हैं। स्टेपनी? वो तो कमला के पास है ना। ओ गिफ्ट में दी थी ना? नहीं उसने खुद ही लिया था। हाँ डीजल बेच दे क्या? डीजल बेचने का क्या मतलब है, तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? इसका नाम शंकर है। ये बहुत देर से लिफ्ट के लिए इंतजार कर रहा है क्योंकि ये अपनी स्टोरी बताना चाहता है। भैया भैया सामने देखो, लगता है अपना इंतजाम हो जाएगा। होल्ड डाउन होल्ड डाउन। चलो बुलाइए उसे। बैंगलोर? जी हाँ अंकल। आ जाओ। थैंक यू अंकल। लूट ले। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा बात तो कर लो। भैया सिगरेट है क्या? भैया सिगरेट क्यों पूछ रहा है? वाटर है क्या भाई? चुप क्यों हो, जेब में पैसे नहीं है क्या? होने तो चाहिए। बात तो करके देख। आप खुद ही पूछिए ना। दिखने में तो प्रभास की तरह दिख रहे हो, लेकिन गाल पीछे हुए टायर की तरह क्यों है? ये क्या भैया, आप इतना बात कर रहे हो और ये पत्थर की तरह इस तरह चुपचाप बैठेगा तो कैसे चलेगा? ये बोला। रे इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके दिल में कोई कहानी है। कहानी? कहानी। इसका नाम संदीप है और ये शंकर का दोस्त है। लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं, तेरा क्या होगा जानी? हैं? क्या यार, मैं यहाँ पर आया हूँ, तूने भाव भी नहीं दिया, मेरे से प्रॉब्लम है तुझे? ए कुछ बोलेगा भी? लड़कियों का दिमाग समझ में नहीं आता, पता नहीं उन्हें क्या पसंद होता है और क्या नहीं। वेस्ट है, इनके पीछे अपनी लाइफ वेस्ट है, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं क्या समझ रहा हूँ, तू क्या बोल रहा है मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक काम कर, तू डिटेल में बता तो मेरी समझ में भी आएगा। ये लड़कियां ना हमेशा दिमाग खराब करती हैं। क्या बात कर रहा है? वेस्ट है, उनमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। तू साफ साफ बताएगा क्या? बात यह है कि एक लड़की ने मुझे बुलाया था और मैं मिलने भी गया। ऐसा लगा कि वो मेरा इंतजार कर रही है। बहुत खूबसूरत थी, उम्मीदों के साथ उसे मिलने गया और फिर क्या वही हुआ, दिमाग खराब कर दिया और प्यार भी गया खड्डे में। बता इसमें मेरी गलती क्या है, क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? मैटर क्या है? अरे सुन, आमतौर पे मैगजीन्स में फोटो होते हैं, स्टार्स के फोटो होते हैं, मॉडल्स के फोटो होते हैं, उसे सब देखते हैं ना? सब देखते हैं। तो देखते हैं ना, वही मैंने किया। मैं फोटो देख रहा था मैगजीन में, लड़की अच्छी लग रही थी, मैंने जस्ट टच किया, वही गलती हो गई। अब इसमें मैंने क्या गलती की है बता? ये मैटर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर उस लड़की ने तुझको डांटा तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, बिना मतलब क्यों डांटेगी वो? चल उसको सॉरी बोल देते हैं, चल आजा मेरे साथ। छोड़ यार, इतनी छोटी सी बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत हर्ट होता है यार। तू एक बार फिर से सोच ले। अब वो लड़की नहीं, अब मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं चाहिए। जैसा तू चाहे। ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म भजिया निकल रही, चल खाते आजा। अरे रुक, क्या कर रहा है? मुझे खाना है। खुले में रखा हुआ है, वो खाएगा? ए, तेरे को वड़ा पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे को खाना है, मैं खाऊंगा। अरे बाद में खाना, तेरे लिए आखिरी बार छोड़ रहा हूँ, चल। भैया भजिया अपने मुंह में ठूस ले।
इस नमूने को तो भूख ही नहीं लगती है, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने दे मुझे। खाएगा तू? ये क्या यार? बोलना ये क्या है? पोलो, ये इतनी छोटी है, तेरा पेट भर जाएगा? पोलो कंपनी को फोन करके बोल दे कि होल बड़ा कर दे। इतनी खराब ओपनिंग तो मैंने किसी भी फिल्म में नहीं देखी थी भाई। हीरोइन से डांट खाना कितना बेकार लगता है, तेरी समझ में आया क्या? इतने तजुर्बेकार होकर आपको ही समझ में नहीं आया तो मुझे क्या समझ में आएगा? कमाल करते हैं आप भी। अपनी बहस बाद में कर लेंगे भाई। असल में तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा घर बार कहाँ है? घर? थैंक यू। इस शहर में एक और वारदात हुई है जिसे ये न्यूज में तो ये हमेशा का है, लाता मेरे लिए और खुद पीता है। कमाल है यार। शह, कभी मेरी भी बारी आएगी तभी बताऊंगा। मैं तो डर ही गया था, क्या पागलपन है, टॉयलेट में भी पीछे पीछे आते हैं। अरे बाप रे, मर गया। hey, तुम उतरो गाड़ी से। अरे तू गेट खोल जल्दी। क्या हुआ अंकल? अरे होगा क्या, मुझे क्या समझा है तुमने? तुम क्या क्या कहानी बता रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पायरेसी सिटी में जैसे फिल्म देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, वैसे ही तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्यों रे, तेरी समझ में आ रही है? गाना मत गा, तेरी समझ में आ रहा है कि नहीं? बचपन में टीचर ने जो पढ़ाया समझ में नहीं आया, इसलिए क्लीनर बन गया। अब मैं इसे समझने जाऊंगा तो पागल ही हो जाऊंगा। तब तो कुछ नहीं हो सकता। देखो भाई, चाहे कितनी भी महंगी बियर पी लो, अगर वो चढ़ती नहीं है तो किक भी नहीं लगती है। तुम्हारी कहानी में किक होनी चाहिए ना। तुम जो कहानी सुना रहे हो उसमें मुझे कोई दम ही नहीं लग रहा है। अपनी कहानी खुलकर बताओ भाई। ठीक है। अरे अरे ए, ये स्कूटर भी ना, इस वक्त कौन है? क्या यार। हाँ बोल। हेलो, मेरा स्कूटर ठीक है ना? माँ कसम, इसे कैसे पता चला? अरे स्कूटर, वाह क्या स्कूटर है, हवा में उड़ता है यार। मेरे को लग रहा है तू झूठ बोल रहा है। स्कूटर संभाल कर लाना, समझा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल दिया, लेट मत कर। थू, कहाँ से फोन कर रहा था, बदबू आ रही थी। पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देखा था, दिन ही खराब है। सही एड्रेस पर हम आए ना? हाँ सही है, चल चल। 26/5। हाँ सही एड्रेस है। जल्दी दरवाजा खोलो। कौन हो आप लोग? आपके रिश्तेदार तो नहीं है? डिसकनेक्शन। ओ डिसकनेक्शन, सुनते हो जी, वो टीवी चोर वाले आए हैं। बाप रे, टीवी चोर बोल रही हमको? अरे हम केबल कनेक्शन लगाने आए हैं। तेरा चेहरा ही चोर जैसा है, चल अंदर। इतनी देर से कहाँ थे तुम लोग? मेरी बीवी सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रही है, उसका सीरियल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, वो कुछ देख नहीं पा रही है। आप लोग बिना, मेरा दिमाग खराब हो गया। कहाँ थे तुम लोग? सर वो क्या, केबल वायर बहुत लंबा था, मैं रोल करने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, राइट पैर पहले रख के अंदर आओ। लेफ्ट पैर रखा तो बीवी ब्लास्ट हो जाएगा, अंदर आओ। चोर बोला ना, लेफ्ट पैर ही अंदर रखना, चल। अरे भैया, टीवी के सारे चैनल आएंगे ना? हाँ जी सारे चैनल आएंगे। जल्दी उतर बे। क्या रे, यहाँ क्यों रोका? ऐसे ही। सच बोल, खूबसूरत लड़की दिखी तो स्कूटर रोक दी। तू सुधरेगा नहीं, कुछ नहीं होने वाला तेरा। ओ, 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 ओ,
बस रोको। का फोन है। हेलो। हाँ बोल। अबे कहाँ है तू? अरे यार है? मिस कर दिया, जल्दी स्कूटर लेके आ। फूटी किस्मत। अबे आ रहा हूँ यार, रुक जा। अब तक तो काफी दूर निकल गई होगी, जल्दी आ। बस जल्दी से बैठ, आ जा। उस लड़की को मिलके बात करनी थी यार। अबे तेरी किस्मत ही फूटी है, तेरे से कभी लड़की नहीं पड़ने वाली। सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, आपकी दुकान को मैं अपनी दुकान समझता हूँ, आपकी कसम। इस नमूने का नाम है गट्टू, ये भी शंकर का फ्रेंड है। ठीक है, मैं देख लूंगा सर, मैं इनकरेज नहीं करूंगा। हाय। ओके सर, ठीक है, अभी बात की और सामने प्रकट हो गया। अरे तेरी वजह से मैं हर जगह से निकाला जाता हूँ, यहाँ कोई गड़बड़ मत करना, मेरी नौकरी बचा लेना प्लीज यार। तुझे क्या लगता है यार, तुझे हमेशा हर जगह से निकाला जाता है मेरी वजह से? तू मेरा दोस्त है यार, यहाँ नई नई जॉब लगी है इसलिए मदद करने आ गया। फिर इस दुकान से तू उधार नहीं लेगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस। वो कैमरा वाला फोन दिखा। कैमरे वाला फोन? किस टाइप का चाहिए? डुअल सिम तुम क्या? हाँ, वो क्या है? स्माइल प्लीज, ऊपर देखिए जरा मेरी तरफ। वो किस लिए? फोटो। ओ स्माइल कीजिए, सुपर। देखिए अपनी फोटो। डरने की जरूरत नहीं है, ये फोन दीजिए। डरिए मत, ये मेरी फोटो है। किसकी फोटो निकालूं? किस, हाँ उसे बस में देखा, आज फ्लावर शॉप पे देखा। कौन है वो लड़की? वो लड़की सिर्फ मुझे ही क्यों दिखती है? अरे शंकर, हा? तू यहाँ है? मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे पागल कहीं नहीं दूंगा। मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे। छोड़, इसमें मेरी लाइफ है। हाथ छोड़, प्लीज समझने की कोशिश कर यार। मैं नहीं दूंगा। हाथ पैर मत जोड़, मैं तुझे फोन दे दूंगा। मैं नहीं दे सकता। प्लीज 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 यार। अरे उसमें क्या है मुझे दिखा। ठीक है ये देख। हाँ। ओ नंदिनी। नंदिनी तू जानता है क्या? हाँ जानता हूँ। कौन है? अगर मैं तुझे बता दूंगा तो मेरा मोबाइल मुझे दे देगा। अरे ले मोबाइल, बोलना। तो बताता हूँ, नंदिनी ना मेरे सामने की बुके की दुकान है ना, उसके ओनर है। वहाँ की ओनर है वो? यस। और रहती कहाँ है वो? रहती कहाँ है? वहीं रहती है। वहीं रहती है। ओके थैंक्स। ओके उतर गया रे भाई। हे भगवान, नंदिनी को मिलेगा। मिल ले, मेरा मोबाइल मुझे मिल गया, मैं बच गया। मेरा फोन। अरे फिर से मेरा मोबाइल लेकर भाग गया। ए शंकर, यहीं आई थी, कहाँ चली गई? अंदर। एक्सक्यूज मी, एक लड़की अभी अभी बुके लेके आई थी। कौन, नंदिनी? हाँ हाँ वही। जिन पेशेंट्स का कोई नहीं है उसे देखने आती है, उनको बुकेस देती है, उनसे बात करती है, फिर चली जाती है। बहुत अच्छे दिल की लड़की है। वाह
आंटी घर बहुत ही सुंदर है आपका। हाँ बिल्कुल, हाँ। मेरे पति ने बनवाया है। पति नहीं तो क्या पड़ोसी बनवाएगा? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो टीवी यहाँ पे रखा हुआ है। दिख रहा है मेरे को, अंधा नहीं हूँ मैं। क्या कहा तुमने? ऊपर जाना है। ऊपर क्यों जाना है? इसको फिट करने के लिए आंटी। ओ अच्छा, सीढ़ियों से तुम ऊपर जा सकते हो। ओके आंटी। क्या हुआ, सब ओके ना? ओके। म्यूजिक चैनल्स आएंगे ना? हाँ आएंगे आएंगे। अरे यार ये तो वही लड़की है। लड़की कहाँ है? लड़की बोला कहाँ है? अरे ऐसे क्या दिख रहा है? ये लड़की नहीं आंटी है समझे? अरे इनकी नहीं, मैं लड़की की बात कर रहा हूँ जो अंदर गई है। ये तो वही लड़की है, कुछ करना यार। लेकिन कहाँ? अच्छा ये बताओ, लगा दिया ना तुमने? हाँ लगा दिया, अब हम चलते हैं। अरे चुप कर, तुझे ठीक से पता नहीं है। आंटी छोटा सा काम बाकी है, हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कॉफी पियोगे? नहीं कॉफी मुझको पसंद नहीं आंटी, दूध पी लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। अब तेरी वाली लड़की कहाँ है? अभी आएगी यार, मैंने देखा था। कन्फर्म है ना? पक्का। दूसरी लड़की के लिए इतना रिस्क नहीं लूंगा मैं, बस वाली लड़की है इसीलिए इतना रिस्क ले रहा हूँ, समझा ना? वैसे यू डोंट वरी, मैं हूं ना। काम हो गया, अब देखना कैसे वो बिल से बाहर आती है। थैंक यू सो मच। क्यों आगे पीछे? बात क्या है जी? दरअसल वो लड़की वो केबल चेक किया क्या? केबल चेक करना, लेकिन पावर कट हो गया तो अब कैसे करें? एक काम करते हैं, अभी हम जाते हैं, कल सुबह हम लोग फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है चलो। आंटी मेरा दूध? कल सुबह जब तुम लोग आओगे ना तब पी लेना दूध। बुखार कहीं का। थैंक्स आंटी। कल याद से आना। वो अभी तक अंदर से बाहर क्यों नहीं आई? क्या बोल रहे हो तुम? आंटी वो वहाँ लड़की उस तरफ नहीं, अंदर... मैं लेकर जाता हूँ इसको। अच्छा, चल मेरे भाई, वो चल मेरे भाई। आंटी आएगी, उसे देखने का दिल किया तो उसके घर चला गया। नमस्ते आंटी। कौन है आप लोग? आंटी हम हैं केबल वाले, कनेक्शन लगाने के लिए कल हम लोग आए थे ना। ओ तुम लोग? कल वो पावर कनेक्शन गया था ना, इसलिए आज चेक करने आए। अरे वो कोई इतना बड़ा काम नहीं था, मेरी बेटी ने खुद चेक कर लिया है। कर दिया? लेकिन ये बताओ तुम लोगों ने रॉन्ग कनेक्शन क्यों किया? नहीं नहीं आंटी, आपने टच क्यों किया? अगर बाद में कोई गड़बड़ हो गई तो? कैसी गड़बड़? अगर आप ही लोगों ने कनेक्शन की वायर ज्वाइन कर लिए हैं फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल सही बोला, मैं कंप्लेन करके कनेक्शन काट देता हूं। अरे नहीं नहीं ऐसा मत करो। आप बोलती हैं तो नहीं कटवाता हूं, ठीक है? आप ही लोग चेक कर लीजिए, अंदर आइए ना। आंटी एक जूस मिलेगा क्या? पहले आपकी बेटी को बुलाइए, वो ग्रेट टेक्नीशियन, जल्दी बुलाइए उन्हें। नंदिनी? हाँ माँ। नंदिनी? नंदिनी क्या हुआ माँ, जरा यहाँ आओ बेटी। मेरे से भी बड़ी टेक्नीशियन है, रिमोट कहाँ है? रिमोट वही तो रखा है ना। देखा ना कनेक्शन नहीं आया ना, क्योंकि उसने रॉन्ग कनेक्शन किया है, इसीलिए किसी और से कनेक्शन करवाने के लिए मना किया था। अब हुई ना परेशानी? अरे यार ये तो सब सही है। देखा ना माँ। क्या यार? आंटी कनेक्शन ऑन होने के बाद टीवी ऑन रखा था? हाँ रखा था 5 मिनट के लिए। अरे बाप रे, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। खत्म? क्या कह रहे हो? खत्म मतलब टीवी ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट? तो फिर आपकी फोटो पर माला डालनी पड़ेगी। सॉरी आप ही कनेक्शन कर लीजिए। ओके। बहुत सारे कीड़े हैं, इतने सारे कीड़े कहां से आए यार? ए, जरा पीछे मुड़ के देख, वो मुझे देख रही है। काश इसकी एक बहन होती, कितना अच्छा होता है ना। ये लो गर्मा गर्म दूध। थैंक्स आंटी। दूध बिल्कुल मस्त है आंटी, बस एक जूस दे दो मुझको।
हेलो, तू जरा उठ जा और वहां अपना कनेक्शन लगा, मुझे यहाँ का कनेक्शन ठीक करने दे। चल उठ। थैंक्स यार। टीवी के कनेक्शन का सहारा लेके अपना कनेक्शन लगा रहा है। चालू हो गया मेरे भाई। अब इसको रख दे, दे मुझे। आंटी, क्या बात है, सब ठीक है ना? सब ठीक है आंटी, ये लो टीवी का रिमोट। सब ठीक है ना? अभी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप हमको कॉल कीजिएगा। ये पैसे देने की जरूरत नहीं। अरे आंटी, पैसे कौन दे रहा है, मैं तो विजिटिंग कार्ड निकाल रहा था। ये लीजिए, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। दोनों में से किस नंबर पे फोन कर रहे हैं? ये वाले नंबर पर फोन कीजिए। अच्छा ठीक है, जरूरत हो तो करूंगी। हां, कभी भी फोन कीजिएगा। किसको करूंगी? इसको फोन कीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ना आंटी, चलते हैं। अबे वहां से तो कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। ओवर रिएक्शन आ गया यार। बाय आंटी। जल्दी आ, जल्दी आ। चलता हूँ, बाय आंटी। काम हो गया बे, चलें क्या? अब चलते हैं। रुक 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 रुक, उसे फिर से देखने का मन कर रहा है। तब से तो उसको ही घूर रहा था ना, और एक बार देखना है प्लीज यार। देखेगा, फिर से देखेगा उसको। अब देख मत, अंदर जा, उठा के ले आ, समझा? अरे रे रे रे, प्लीज 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 यार, तू मेरा दोस्त है ना। ऐसा मत कर, तेरे को देखने का ना, गुदगुदी मत कर। कुछ प्लान करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। आइडिया। क्या हुआ? खाली देखना है ना, तू जरा साइड हो जा। ओके। अरे ये क्या कर रहा है तू? तेरे को देखना है ना, रुक जा। नंदनी, क्या है माँ? देखना बेटा, कुत्ते तब से भौंके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी देखती हूँ। रुक रुक रुक, वो आ गई है, तेरे पीछे देख यार, चुप करना। अरे रे रे, ये क्या बीमारी हो गई है? मुझे ये भौंकता रहता है। भौंकने की बीमारी। मजाक मजाक कर रहा है। भौंकने की बीमारी हो गई है। जी भर कर देख ले, आंखें फाड़ फाड़ कर देख ले, पता नहीं कल मौका मिले या ना मिले। ये मजाक कर रहा है। सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आती है या नहीं आती है, और बाइक में घूमना पसंद है या नहीं है? एक मिनट है, तुमको कुंग फू कराटे आता है क्या? ब्लैक बेल्ट। मेरे पास तो नॉर्मल बेल्ट है, मेरे को कटने दे। ब्लैक बेल्ट, कीप इट डाउन। ओके ओके, बाय। अरे अरे, कहाँ जा रहा है यार, गुलदस्ते की शर्ट पहन के? तबीयत तो ठीक है ना? जब देखो तेरा मजाक उड़ाते रहते हो। अरे अगली बार तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। कहाँ जा रहा है? आज ना हमारे ऑनर का बर्थडे है, उसके घर जा रहा हूँ। तो फिर शॉप बंद है? सच में? तू जाकर देख ले भाई, मुझे जाने दे। अरे रे रे, रुक यार, शॉप की चाबी मुझे दे दे। तुझे चाबी दूंगा तो मेरा ऑनर मुझे लॉक कर देगा, मुझे जाने दे। अरे रुक यार, बर्थडे में जा रहा है ना, गिफ्ट लेकर जा। अरे गिफ्ट की बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। मेरी बात मान यार, बुके लेकर जा। ओके चल। हां हां, मैं समझ गया भाई, मैं चाहे कहीं पर जाऊं तुम्हें फूलों की दुकान पर छोड़ दो। यही ना दिखता है, उतना बेवकूफ नहीं है। मैं तुझे छोड़ देता हूँ। हाँ, आ गई तेरी फूलों की दुकान। उधर तू बता, कितने लेने? पूरी दुकान नहीं लेनी है भाई, एक ही चाहिए। चल। क्या यार, यहाँ इसे काम पर लगा देना बेहतर होगा, झंझट खत्म। कितने का है? 500। 500? बहुत ही कम रखा है। ये लीजिए।
पहुँचेंगे अगले साल का बर्थडे आ जाएगा। ए हेलो, ये बुके बर्थडे पर नहीं देते हैं, डेथ पर देते हैं। मतलब इस जॉब से भी निकालने का प्लान कर रहा है ये? हे भगवान, चल। अरे रे रे रे, हेलो इधर आओ। अरे रे सुन, जल्दी आओ। चलो इसी बहाने इससे बात तो हो जाएगी। देखो मिस्टर, मुझे पता है कि आप बहाने ढूंढकर मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगली बार मुझे अगर फॉलो किया तो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? जाओ यहाँ से। सर 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 सर, रुकिए सर। क्या हुआ? ऑलरेडी बैंक का टाइम खत्म हो चुका है, मैं एप्लीकेशंस लेकर के अपने हेड ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। सर मैं बहुत दिनों से लोन के लिए ट्राई कर रही हूँ, प्लीज सर मेरा लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर मुझे लोन नहीं मिला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज सर। तुम्हारी फोटो कहाँ है बेटा? वन मिनट सर। सर मुझे प्लीज आधे घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं जाकर ले आती हूँ। सॉरी बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज सर। ड्राइवर चलो, ये लीजिए। सर मेरे पास फोटो है, ये लीजिए। ठीक है ना सर? ओके, थैंक यू। मैं वो सॉरी कहना चाहता था, वो तुम्हारा पीछा कर रहा था इसलिए। लड़का लड़की का पीछा क्यों करता है? क्योंकि वो प्यार चाहता है। ठीक है, आइंदा मैं कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा और तुम्हें आज के बाद कभी परेशान भी नहीं करूंगा। ओके बाय। कल सुबह बस में तो मुझे जरूर फॉलो करोगे, है ना? महागणाधिपति महागण अंतवा गणपति महामेकमिंग कपिना पोस्टोस्टम ज्येष्ठ राजम ब्रह्मण ब्रह्मणस्पतानुस्वनुरभिशीलसाधन श्री महागणाधिपते नमः। श्री वरसिद्धि विनायक अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु, इष्ट काम्यार्थ फल सिद्धिरस्तु, वरसिद्धि विनायक अनुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु। बर्थडे है। क्या बर्थडे है? पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या करें? देखो अननेसेसरी पार्टी प्लान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बर्थडे बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज शाम को तुम्हें मेरे घर आना है, समझे? अगर और कोई प्लान बना है तो प्लीज कैंसिल कर दो, ठीक है? ओके बाय। भैया एक बात पूछूं क्या, उस लड़की ने आपको घर बुलाया क्या? मतलब मस्त दारू वारू के साथ चकना भी मिला होगा। क्या बोल रहा है रे बेवकूफ, पायरेसी सीडी की मूवी की तरह मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जरा साफ साफ बोल। आप भी कभी कमला के बुलाने पर दीवार कूद कर गए होंगे ना? मेरी लव स्टोरी क्यों पूछ रहा है? भाई की लव स्टोरी बताने देना। देखो भाई, ऐसा लग रहा है कि तुमने लड़की से प्यार तो किया लेकिन उससे मिलने गए थे क्या? हाँ गया था। हेयर स्टाइल, हाँ ठीक है, बेल बजाता हूँ। कोई है कि नहीं? हाय, अंदर आओ। कॉफी टी कुछ लोगे? कॉफी। ओके वन सेकंड। नंदिनी तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो।
Rajasthan has a chance. If he doesn't... So they could start going downhill as well. I think anyone on their day can... Except that the captain of his opposing side is Adam Gilchrist. जरा रिमोट दोगे? अरे चाय पियो ना। सब समझती हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं देख नहीं पा रही कि तुम क्या कर रहे हो? ये क्या है? वो बात ये है कि वो मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये ही नहीं पता कि कहाँ कैसे बिहेव करना है? मुझे तो तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। जब तुमने पहली बार कहा ना कि मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ, मैं तभी समझ गई थी कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब ये कि मैं सब समझती हूँ। अच्छा, तो जब मैं कर रहा था तब रोकना चाहिए, तब क्यों नहीं रोका? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें घर बुलाया, बदतमीज कह के। अरे यार, क्या बात कर रही हो? अगर मुझसे बात नहीं करनी तो अभी निकलो। मैं क्यों जाऊँ? जाना है तो तुम जाओ। एक्सक्यूज मी, घर मेरा है। ओके, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इतनी अच्छी लड़की तुम्हारे हाथ आई और तुमने किताबों पर हाथ डाला। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, उस वक्त बस ऐसा हो गया। क्या हम खूबसूरत लड़कियों को देख नहीं सकते? देखोगे क्यों नहीं, ये तो पुरुषों के लक्षण हैं। आंखें देखी, गुस्सा नहीं आया। हाँ। होंठ भी देखे, फिर भी गुस्सा नहीं आया। फिर जो अनजाने में देखा, तब पता नहीं क्यों उसे बहुत गुस्सा आया, फिर झगड़ा। भैया, मैंने भी देखा है। क्या बेटा? शोले फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का गाना, होली के दिन दिन खिल जाते हैं रंगों से रंग। यहाँ मैं अपनी प्रॉब्लम कह रहा हूँ और तुम कॉमेडी कर रहे हो। वही तो, शोले फिल्म में धर्मेंद्र के साथ भी यही हो रहा था, यही वाली समस्या थी। पिछले जनरेशन से लेकर आज के जनरेशन तक यही वाली समस्या है, अनसुलझी समस्या। तेरी क्या राय है इस समस्या पे? इस समस्या का तो सिर्फ एक ही समाधान है। वो क्या है? वो है सॉरी बोलना। आपने सॉरी बोला था क्या? सॉरी। बैलेंस को भी अभी खत्म होना था क्या? सॉरी नंदिनी, मैं कह रहा था मुझसे बात मत करो। प्लीज नंदिनी। आई डोंट वांट टू स्पीक। ठीक है, बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरे दिल की बातें इस फोन में है। प्लीज एक बार देख लो, तुम सब समझ जाओगी। प्लीज। हाँ
शायद इसी को कहते हैं खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब कभी भी नंदिनी मुझे माफ करेगी या नहीं। बात क्या है? मुझे बहुत दुख हो रहा है, उसे भुला नहीं पा रहा हूं मैं। कौन बोल रहा है? उसे भूल जाने के लिए किसने मना किया उसको देखने से? मैंने मना किया क्या, या फिर उस लड़की ने मना किया? खुद से तो कुछ भी डिसाइड कर लेता है, फिर बोलता है कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। ए, तुझे उस लड़की से सोच समझकर बात करनी चाहिए थी। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, गलती मेरी है। प्यार कोई और करता है, भुगतना किसी और को पड़ता है। अरे यार, तू तो मुझे अच्छी तरह जानता है, प्लीज कुछ करना यार। ठीक है कुछ करता हूँ मैं। लेकिन कब करेगा यार? अभी कभी कैसे करूंगा, मुझे सोचना पड़ेगा ना। चल चुपचाप सो जा। वही तो, कब करेंगे? सो जा, बोलो ना। ठीक है। रात में भी चैन नहीं है इसे। सोता हूं मैं। यार वो इस तरफ दोबारा मुड़ा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मैं कह रहा था कि नहीं, ठीक है कुछ नहीं। ओके, भेजा तो बस कर दिया, चेक कर रहा था तू सोया कि नहीं। ये शंकर की लाइफ का इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसका नाम है भद्दू। हाय। अब तेरा काम हो जाएगा, देख मेरा कमाल, आजा। सुनिया, हाँ? वहां कहां जा रहा है? गेट तो खुला है। मुझे नहीं पता है क्या? सेंट्रल जेल का गेट लग रहा है। हाय, नमस्ते भाई। हाय भाई, आपसे बात करनी है। ऐसे क्यों घूर रहे हैं हमें? पहचाना नहीं मैंने। अरे भाई, हम हैं भाई, आप हमें नहीं पहचान रहे? इसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या? कौन हैं आप लोग? भाई हम हैं भाई। अब वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोग हैं कौन? भाई गुड क्वेश्चन भाई, मैं हूँ और ये है। वो तो ठीक है, लेकिन आप हैं कौन? भाई आज तो आप बड़े आदमी जैसे दिख रहे हो भाई। बड़े आदमी जैसे नहीं है, खुद बड़े आदमी है भाई। क्या 56 इंच वाला सीना है आपका, बिल्कुल हीरो के जैसे दिख रहे हो भाई। आपकी हेयर स्टाइल तो सुपर स्टार वाली है। हेयर स्टाइल? मेरा मतलब अगर होती तो सुपर स्टार वाली लगती। भाई छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद है? आप करेंगे ना हमारी मदद? क्या बात करता है, इनका दिल बहुत ही बड़ा है, इन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है। मदद करेंगे, पक्का मदद करेंगे। कंफर्म है। मैं मदद लेता हूँ, करता नहीं। भाई कुछ लेके ही हमारी मदद कर दो। सड़क का भिखारी लग रहा है। भाई आप तो भाई कितने बड़े घर के मालिक हैं। आपसे छोटी सी मदद चाहिए। कोई ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है भाई। मतलब पैसे नहीं पूछेंगे ना मुझसे आप लोग? कसम से हम पैसे नहीं पूछेंगे, हम तो पैसे आपको देंगे। ओ, आप ही देंगे क्या? बिल्कुल भाई। मैं मदद करूंगा। ठीक है भाई। अब लग रहा है कि ये हमारी मदद करेगा। इसका मुंह देखकर लगता है काम नहीं होने वाला। भाई नहीं मानेंगे। भाई मानेंगे। क्या करेंगे मैनेज? देखिए आपने हाँ बोला भाई, बाद में मना मत करिएगा, सिर्फ 2 दिन के लिए इसको घर में रहना है। ठीक है भाई। कहीं इसको डाउट ना हो जाए। वो मेरे घर में रहेगा तो मुझे क्या फायदा है? फायदा ये रख लीजिए, हो गया ना फायदा। ओ, इसे खोलिए मत। उस लड़के को मेरे घर में ही क्यों रहना है? क्यों रहना है? हाँ, उसका जो दिल है आजकल बाजू वाले घर में रहता है, इसीलिए। अच्छा, उसका दिल बाजू वाले घर में है तो वो मेरे घर में क्यों रहेगा? क्योंकि कहानी यही है। हाँ। कहानी? ये फिल्म की कहानी है भाई। ये फिल्म की कहानी? नहीं तो क्या भाई। कहानी क्या है? क्या है? हाँ, दो आदमियों की कहानी है भाई। एक आदमी 2 दिन घर के अंदर रहेगा और दूसरा आदमी आपसे बात करता है। कहानी लाजवाब है। इस कहानी में मुझे कोई कैरेक्टर मिलेगा क्या? भाई आपको कैरेक्टर? आप तो हीरो हो। मैं हीरो? आप हीरो मतलब फिल्म हिट। भाई अब हीरो के हाथ में ये छोटा बटुआ अच्छा नहीं लगता, सही कहा ना? ओ
अंदर क्या कर रहा होगा, देखता हूँ। अरे भाई सुनो, प्यार के चक्कर में तो गिर गए, साथ में बाथरूम में भी गिर गए क्या? उसके बाद क्या हुआ? लगता है कोई आया है। आते समय कम से कम एक फोन तो कर दिया होता साहब। खुद के घर आने के लिए फोन करने की क्या जरूरत? मेरा मतलब है आने के पहले अगर ये वॉचमैन भी ना, कब मुझे आना है कब नहीं आना ये तुझे क्यों बताऊं? नहीं ऐसा नहीं है साहब, एक नंबर का नौटंकी है। वैसे वापस आप कब जाएंगे? वापस क्यों, मेरे आने से तुझे कोई तकलीफ है क्या? हाँ सर बहुत बहुत। क्या बोला? हाँ सर बहुत खुशी हुई सर। हेलो रोहित, कोई जरूरत हो तो पड़ोसियों को फोन कर लेना, ठीक है? ओके डैडी, कुछ चाहिए होगा तो वो नंदिनी की फैमिली है ना, उसे कॉल कर लूंगा। नंदिनी से कैसे बात करूं? साहब कॉफी टी कुछ? नो थैंक्स। साहब थोड़ा आराम कर लीजिए। मैंने तुझे बताया क्या मैं थका हूं? साहब आपका कमरा साफ कर दिया है, वहीं आराम कर लें। अभी तो तुम मुझे भगाने पे लगा था। वो सूटकेस फिर से कार में रख दे, मैं चला जाऊंगा। क्या साहब आप भी मजाक करते हैं। मैंने कौन सी गलत बात बोली है साहब? हाय नंदिनी, हाउ यू? फाइन। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? प्लीज बैठो ना। ओके। अब क्या करूं? So, how was your trip? Hey, it was nice. थोड़ी कॉफी लेकर आना। मैडम, साहब जर्नी करके थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, आप बाद में आ जाइए। Oh, I'm sorry. रोहित तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं जा रही हूँ। वो भी बोलने वाले थे पर थोड़ा शर्माते हैं। अरे चुप ना, ऐसी कोई बात नहीं है नंदिनी। हम कॉफी किसी और दिन पी लेंगे, तुम रेस्ट कर लो, मैं चलती हूँ। ये इस घर का मालिक होगा, अब क्या करूँ? नंदिनी को इम्प्रेस करना है, मुझे यहीं रहना होगा। यस, नंदिनी इस घर में क्यों आई थी? शायद पड़ोसी है इसलिए, दोस्त भी तो हो सकते हैं। डायरी में क्या लिखा होगा, पढ़ के देखता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो कंफर्म है, नंदिनी को ये बहुत पसंद करता है। एक प्रॉब्लम कम थी कि दूसरी आ गई, अब क्या करूं? कुछ तो करना होगा, समझ नहीं आ रहा है। ची 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 ची, तुम्हारी लव स्टोरी में नया कैरेक्टर कहाँ से आ गया? तुम्हारे सामने तुम्हारी लवर को गिफ्ट दे रहा था, तुम देख रहे थे। तुम्हारी लवर को प्रपोज कर रहा था और तुम डायरी देख रहे थे। मुझे तो लगता है कि वो जरूर सेकंड हीरो ही है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो फास्ट ट्रैक पर दौड़ता।
बद्दू, गीजर ऑन कर रहा है। आप ही ऑन कर लो ना साहब, स्विच ही तो दबानी है। बद्दू, ये बद्दू। अरे यार, बहुत अच्छा। So sir, how are you sir? So, how is work going on? Work is going on very fast sir, so there's no problem at all sir. Anyway, inform me about the progress file, okay? Okay sir. Take care. Yeah. Hey Shri Ramji, kuch achi cheez dikhana. Nandini? Nandini? Main tumse baat karna chahta hoon. देखो भैया, मुझे शंकर के टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है, समझे? मुझे माफ करना नंदिनी। क्यों? तुमने क्या किया? सब मेरे से ही तो हुआ। असल में क्या हुआ पता है? मेरा फ्रेंड शंकर, वो एक अनाथ है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं तुम्हें बोलकर नहीं बता सकता, लेकिन इस सब का कारण मैं ही हूँ। मैं ही। शंकर तुमसे कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ प्यार चाहता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जिससे वो प्यार करता है वो एक ही है, सिर्फ तुम। एक बार सोच लो, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, मुझे माफ कर देना नंदिनी, प्लीज। ये कहाँ जा रहा है? ये अपने आप को हीरो समझता है क्या? अपने आप को शाहरुख खान समझता है। अगर इसको भगाया नहीं ना तो यहीं सेटल हो जाएगा। करेंगे, अच्छे से प्लान करेंगे, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। नंदिनी से शादी किए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं है। इसकी नंदिनी से शादी होगी तो, हाँ तो? होगी तो ये लोग हनीमून पे जाएंगे और उसकी मम्मी यही पे सेटल हो जाएगी। अच्छा, ऐसा हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? परमानेंट वॉचमैन बनके यहीं पे रहना है मुझे। इस घर में या तो वो लोग रहेंगे या तो फिर मैं ही रहूंगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। करके दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं मैं। कम से कम मुझे तो बोल दो। ये भद्दू बोलता नहीं है, करके दिखाता है। करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, देख लेना। ये क्या, इतनी जल्दी वापस आ गया? पाउडर पाउडर। क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार किसी लड़की से मिलने जा रहा है? बात क्या है? बहुत दिनों से सोया नहीं था साहब, मेकअप करके सोया था। सपने में हीरोइन नहीं तो कम से कम सुंदर आंटियां तो आएंगी साहब। साहब ये बात बोलेगा नहीं किसी से। ये पहली और आखिरी बार है, अगर दोबारा कभी ऐसे मेकअप में देखा ना तो वो आखिरी दिन होगा तेरा यहाँ साहब।
साहब हा? ये क्या है? किसी बेहद ही करीबी ने बड़े प्यार से ये मिठाई बना के दी। तो मेरे लिए लेकर आए हैं साहब? तुम्हारा दिमाग खराब है, सोचना भी मत, तुम्हें कभी ये मिठाई नहीं मिलेगी। इस मिठाई के अगल बगल भी तुम मुझे दिखाई दिए तो सोच लेना। अच्छा, इस भद्दू का जिस चीज पर दिल आ जाता है उसे लेकर रहता है ये भद्दू। डायरी लिख रहा है, मतलब नंदिनी के बारे में लिख रहा होगा, लेकिन क्या लिख रहा होगा? बद्दू, ए बद्दू, लाइट क्यों चली गई? सो रहा है क्या? ए बद्दू, यूपीएस ऑन कर। अरे कहां मर गया ये? लाइट गई पता नहीं है क्या तुम्हें? बद्दू, आज नंदिनी के साथ उसके घर पर डिनर है, आज का दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। ए भद्दू, अरे क्या प्लान है भद्दू? भद्दू कैंडल लाना यार। हाँ, मर गया ही अभी तक। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या भद्दू? कहाँ मर गया था तू अभी तक? मर जाता तो कैंडल कैसे लाता? hey, लाइट क्यों चली गई जाके देख, और यूपीएस क्यों नहीं ऑन किया? यूपीएस को अभी तक कनेक्शन नहीं दिया साहब, वैसे इस एरिया में लाइट कभी नहीं जाती साहब। लाइट आने के लिए कितना टाइम लगेगा? पता नहीं साहब, ऑफिस में फोन किया था, किसी ने नहीं उठाया साहब। अगल बगल में तो लाइट है ना? मैं जाकर चेक करके आता हूँ, ये पकड़िए। बद्दू कहाँ है तू? साहब, साहब बुलाया क्या आपने? तुझे सुनाई दिया कोई अभी आई लव यू बोल रहा था? नहीं साहब, मुझे भला आई लव यू कौन कहने वाला होगा साहब, सपना है ये तो। आजा रे, आजा। अभी कोई आई लव यू बोल रहा था तुझे, सच में नहीं सुनाई दिया? नहीं तो साहब। ठीक है, जा फ्यूज भी चेक कर लेना। ठीक है साहब, चेक करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। बद्दू साहब, तू ही आवाज बदल के बोल रहा है। मैंने अभी बोला साहब, पहले मैंने नहीं बोला था साहब। ठीक है ठीक है, जाओ। लव अच्छी चीज होती है साहब, लव। मैंने मेकअप करने के लिए मना किया, तू मुझसे मजाक कर रहा है। देखूंगा देखूंगा, अच्छी तरह से तुझे देखूंगा। ये नंदिनी से प्यार करता है, कहीं नंदिनी भी इसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा दोस्त हो सकते हैं, और इतने दिनों में नंदिनी ने मुझे आई लव यू नहीं कहा, तो इसे कैसे कह सकती है? चांस ही नहीं है। नंदिनी किसी और की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन लड़कियों का भरोसा नहीं करना चाहिए उनको। तो
ए, कौन हो तुम? उस लड़की को भूल जा। किस लड़की को? नंदिनी को। नंदिनी? नंदिनी को तू कैसे जानता है? ए, विश्वास मत कर, भूल जा उस लड़की को, भूल जा नंदिनी को, भूल जा। ए, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। छी, मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए हो। इसे क्यों मार रहे थे तुम? सच सच बताओ, तुम लोग क्यों झगड़ रहे थे? अरे नंदिनी, मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो ये तुम्हें क्यों मार रहा था? ये बोल रहा है कि ये तुमसे प्यार करता है और मुझे रास्ते से हटने के लिए बोल रहा है। क्या? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? मैंने कभी तुम्हें आई लव यू कहा है क्या? मैं तो क्या तुमसे कोई लड़की प्यार नहीं करेगी। तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम इसे मार रहे थे। ठीक है, अब कान खोल कर सुन लो, मैं रोहित से सच्चा प्यार करती हूँ, समझे? तो आज से तुम मुझे भूल जाओ। कम रोहित, लेट्स गो। बापरे बापरे बापरे, उसको जान से मारकर तुम खा मखा फंस गए। जान से नहीं मारा। हाँ, वैसे मारना तो चाहता। मारना चाहते थे? ए, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अरे इसे लॉरी से उतार दे, नहीं तो एक्सीडेंट कर दूंगा। अरे बापरे, भैया भैया ठीक से बताओ, नहीं तो ये सच में एक्सीडेंट कर देंगे। मैंने नहीं मारा, फिर मुझे लगा कि मामला और भी बिगड़ सकता है, इसलिए छोड़ दिया। ओह, बिना कुछ किए छोड़ दिया क्या? कैसे छोड़ देगा, प्यार किया है ऐसे ही छोड़ देगा क्या? तो क्या कर सकते है, प्यार का इजहार नहीं कर सकते, उसके बिना रह नहीं सकते, तो आदमी करेगा क्या? इसीलिए तो मैंने और भद्दू ने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? मैंने भद्दू से कहा कि ये रोहित जहाँ से आया है उसे जल्द से जल्द वापस भेज दिया जाए। बनाया। वो भद्दू तो वॉचमैन है ना, तुम्हारी हेल्प क्यों करेगा? करेगा। बद्दू, आ रहा हूँ साहब, आ गया। इसमें की मिठाई तुमने खाई है ना? मैंने नहीं खाई। तो फिर किसने खाई? आपके मुंह ने साहब। बकवास बंद करो और सच सच बताओ, इसमें की मिठाई तुमने खाई है या नहीं? नहीं साहब, नहीं खाई, सच में नहीं खाई साहब। तुम्हारे अलावा और किसने मिठाई खाई होगी? इस घर में हम दोनों के अलावा कोई और भी रहता है क्या? साहब आप ऐसे शक क्यों कर रहे हैं साहब? नहीं, इस घर में कोई और भी रहता है। वो कौन है मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन पूरी रात मुझे आई लव यू सुनाई दिया है। हम दोनों के अलावा कोई और भी है इस घर में। साहब ये आपका भ्रम है कि कुछ बोल रहा है साहब? साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपका भ्रम है साहब। मेरा भ्रम है? तो फिर ये पैर के निशान कहाँ से आए हुए हैं? साहब मिठाई खाने की खुशी में आप ही चल कर गए होंगे साहब। निकल जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी यहाँ से। भद्दू क्या कर रहा है? ये मेरा है। ओह, ये तेरा है क्या? अबे तुझे चढ़ गई क्या? सॉरी, दारू में तेरा मेरा नहीं होता है, सबका होता है। गुस्सा मत हो, दुखी भी मत हो, टेंशन मत लो, मैंने पी है ना, ये वाली मेरी है, ये तुम्हारी है। ये मैंने झूठा किया था, नो प्रॉब्लम, अब इसे मैं ही पी लेता हूँ। अगर सब कुछ तू ही पीने वाला है तो मुझे बुलाया क्यों? आए, मैंने तुम्हें कहाँ बुलाया, तुम खुद ही आए हो। मेरे घर पे कौन आया कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो।
दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली नंदिनी से मैंने प्यार किया, इसलिए उसे इम्प्रेस करने चला आया। देखो, तुम उसे इम्प्रेस कर दो या तो भगा दो उसे, मुझे क्या फायदा होगा। वैसे तुम उसे इम्प्रेस कर सकते हो क्या है? इसे बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, इसे संभालना पड़ेगा वरना यही मुझे बाहर भेज देगा। बोलो भाई। मेरा बेवकूफ दोस्त मुझे यहाँ छोड़ के गया और मैं इसके साथ फंस गया। तुम्हारे आने से पहले मैं खुश रहता था। और दो चार दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद कुछ बड़ा प्लान करते हैं। पहले तुम्हें घर से भगाना है। जाओ तुम, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है ये घर, जाओ यहाँ से। अरे यार, उसको भगाने के बारे में सोचो, हम दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। वो तो ठीक है, मैं इतना एडजस्टमेंट करके क्यों रहूं यहाँ पर, मैं जाऊंगा। बोलो, मैं बात कर रहा हूँ, बोलो मुझसे, बोलो। तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो जियोगे कैसे, भिखारी बनकर रहना पड़ेगा। मैं क्या कामचोर नजर आ जाऊं तुम्हें? मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं किसी की नहीं सुनता। बहुत कुछ जानता हूँ मैं, मैंने बाहर की दुनिया बहुत देखी है, समझे? ठीक है, तो तुम ही बताओ अब हम क्या करेंगे। दारू भी खत्म हो गई, उतरने से पहले उसे घर से भगा देता, मैं देख लेते भगा देता उसे। ऐसे मत देखो, सच कह रहा हूँ, बोलता नहीं हूँ मैं, करता हूँ, सिर्फ करता हूँ मैं, याद रखना, करता हूँ मैं। तुम्हारे पैसे कितने बचे हैं बता दो। चप्पल से मारिए साहब, आपको छोड़कर मैं इस घर से कहाँ जाऊंगा साहब। सिर्फ आपकी सेवा ही मेरा धर्म है साहब, धर्म है मेरा। लेकिन ये तुम्हारा धर्म तो कभी दिखाई नहीं दिया। अब वो क्या है साहब, ना मैंने आज तक दिखाया और ना आपने देखा। साहब आपका टेंशन मुझे पता है क्या साहब, वो पड़ोस की नंदिनी से आप प्यार करते हो ना साहब। हाँ तो आप बहुत कोशिश में लगे हो ना साहब। साहब लेकिन वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है ना साहब, इसीलिए आप टेंशन में रहते हैं और नंदिनी को लेकर के बहुत दुखी भी रहते हैं ना साहब। तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं साहब? नंदिनी के बारे में मुझे सब कुछ पता है, उसका टेस्ट क्या है, उसका वेस्ट क्या है, सब कुछ पता है साहब। ये वेस्ट क्या होता है? वेस्ट मतलब वो जो चीज नहीं पसंद करती साहब, वो वेस्ट। सच में तुझे सब कुछ पता है? हाँ साहब, आप नंदिनी से प्यार करते हैं ये भी पता है साहब। नंदिनी ऐसी वैसी लड़की नहीं है साहब, अलग टाइप की है, उसका कल्चर अलग है, उसका स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है साहब, एकदम अलग, कमाल है साहब। अच्छा साहब, नंदिनी और लड़कियों की तरह नहीं, उसको चिकन के आइटम्स बहुत पसंद है, उसे रेस्टोरेंट ले जाइए साहब और उसकी पसंद के चिकन मंगवाइए साहब, वो खुश होकर के आपको किस भी दे सकती है साहब, किस। इतना ही नहीं, नंदिनी को पीला रंग बहुत पसंद है साहब, आप भी पीले कपड़े पहनकर नंदिनी को इम्प्रेस कर सकते हैं। आई लव यू कन्फर्म बोलेगी, ये मेरा दावा है साहब। लेकिन एक बात याद रखना साहब, उसके सामने भिखारी को कभी एक रुपया भी मत देना साहब, बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। लेकिन ये तो लड़कियों की नेचर के विपरीत है। दैट इज नंदिनी साहब, उसका स्टाइल ही अलग है, उसका एटीट्यूड ही अलग है साहब, उसकी थिंकिंग अलग है। आप कोशिश करो साहब, आपको पक्का सफलता मिलेगी साहब। चलता हूँ साहब। मिठाई खाने पर तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब जाओ तुम्हारी चटनी बनेगी। आओ बैठो ना। क्या हुआ नंदिनी, इतनी उदास क्यों? कुछ बताओ ना तुम्हें क्या हुआ है, मेरे साथ आना तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रोहित। तो फिर ये रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया क्या, दूसरे रेस्टोरेंट में चलें? वो बात नहीं है। लेट्स बी हैप्पी यार, मुझे देखो हमेशा खुश रहता हूँ। हे स्माइल प्लीज। ऑर्डर सर। नंदिनी तुम क्या लोगी? मैं बताता हूँ, टू चिकन बर्गर, टू ड्रमस्टिक्स एंड वन वाटर बॉटल। ओके सर। Thank you.
हेलो नंदिनी, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए मंगाया है। आई हेट चिकन, मैं चिकन नहीं खाती। क्या चिकन नहीं खाती? उसको चिकन के आइटम्स बहुत पसंद है। दरअसल रोहित, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ओह शिट, सॉरी, पहले बताना था ना। वेटर, एनी स्पेशल इन वेज? हाँ, कुछ नहीं चाहिए, वन ऑरेंज जूस। बाबू, एक रुपया दे दो बाबू। उसके सामने भिखारी को एक रुपया भी मत देना साहब, बिल्कुल पसंद नहीं है उसे। ए, जाओ बाबू, बाबू कुछ दे दो बाबू, भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबू, बाबू, बाबू। थैंक्स नंदिनी, मेरे साथ चलने के लिए। हे, दैट्स ओके। रोहित, तुम्हारा ब्लेजर बहुत अच्छा है, कितने का होगा ये ब्लेजर? ये नंदिनी, इसे यूएस से खरीदा है, महंगा ही है। ओह, इज इट? और तुम्हारी कार? कार लगभग 10 लाख रुपए की होगी। ओह, 10 लाख्स, ओके। तो 10 लाख की गाड़ी होकर भी उस जरूरतमंद को 1 रुपया नहीं दे पाए? ओके, एनीवेज, हम फिर मिलेंगे। साहब, क्या हुआ? सफलता मिल गई? नंदिनी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तूने मुझसे जानबूझ के गलत बताया ना। ज्यादातर लड़कियों की पसंद एक जैसी ही होती है, चूंकि ये नंदिनी थोड़ी अलग है साहब, तो सोचा आपका काम बन जाएगा, इसीलिए आपको बताया साहब। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मैं ही बेवकूफ था, तूने मुझे जो बताया मैंने उसे क्यों फॉलो किया? मेरी ही सारी गलती है। साहब, मैं आपको एक आइडिया दूंगा, पक्का सफलता मिलेगी। माफ कर दे मुझे, अब कुछ मत बता। साहब, प्लीज साहब, इस बार सफलता पक्का मिलेगी साहब। आपको एक राज की बात बताता हूँ, आपके बाथरूम की खिड़की सीधा नंदिनी के बेडरूम में खुलती है साहब, सब कुछ दिखाई देता है, लग जाइए, सफलता मिलनी मिलनी है साहब। तू सच बोल रहा है? तूने कोशिश की है क्या? प्यार आप करते हो साहब, मैं क्यों कोशिश करूंगा। चलिए साहब, चलिए 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 चलिए, आइए आइए आइए, देखिए उधर उधर उधर, देखिए देखिए साहब, देखिए, जाइए साहब। कुछ दिखाई दिया? कुछ भी नहीं दिख रहा है। रुकिए रुकिए, दूरबीन लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, बद्दू, ये सब क्या चल रहा है? प्लान प्लान कहते हो और सपोर्ट उसे करते हो। साहब, इसमें से देखिए साहब, कुछ अच्छा दिखेगा। साहब, लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए। हेलो। हेलो नंदिनी जी, मैं भद्दू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। ये रोहित जो है वो आपके बेडरूम में दूरबीन लगाकर सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। मैंने बोला आप ये क्या कर रहे हैं, तो बोला भद्दू तुम जाओ यहाँ से, और मुझे थप्पड़ मार दिया। नंदिनी जी, आप जा करके खुद ही देख लीजिए नंदिनी जी। रोहित, तेरी कहानी तो खलास। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे, कहाँ चली गई वो? कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। रोहित, What the hell are you doing here? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, लड़कियों के बेडरूम में झांकते हो? तुम मेरा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो क्या? नहीं नंदिनी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। तो फिर ये सब क्या कर रहे थे? वो मैं... प्लीज रोहित, अब आगे कुछ मत कहो। मुझे अब तक लग रहा था कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तो बेवकूफ निकली। तेरी कहानी खत्म हुई। यस, नंदिनी मेरी है और मुझसे दूर नहीं जा सकती।
इसको क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? नंदिनी जी, बोलो क्या बात है? रोहित को आपने मारा था, इसलिए वो सुसाइड करने जा रहा है। क्या? सुसाइड करने? मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप जल्दी से आ जाइए ना। साहब क्या हुआ, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं साहब? मेरी बात सुनिए साहब, साहब एक बार सोचे साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी बात सुनिए साहब, मेरी बात सुनिए साहब, ये गलत है साहब, मेरी बात सुनिए साहब, मेरी साहब ये गलत है साहब। सुसाइड करके मेरी लाइफ बर्बाद क्यों करना चाहते हो? मुझे टॉर्चर करने के लिए तुम ये रास्ता अपना रहे हो? प्लीज मुझे और परेशान मत करो, मैं थक चुकी हूँ। वो लड़का कहाँ चला गया, उसके साथ क्या हुआ पता नहीं, यही सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूँ। आखिर मैं अपनी फीलिंग्स किसको बताऊँ? किसके बारे में बात कर रही हो, कौन है वो? तुम किसी से प्यार करती हो क्या? हाँ, यस, आई लव एन इडियट। उस इडियट का नाम शंकर है। पेशेंस नहीं है उस पागल में, फिर भी उससे प्यार है। एक छोटी सी बात पर मुझसे इतना गुस्सा हो गया कि रूठकर मुझसे दूर चला गया। वो इतनी छोटी सी बात को सीरियसली लेकर पता नहीं कहाँ चला गया। पर मुझे अब रियलाइज हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसे रियलाइज हुआ है। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ उसे पता भी नहीं। अगर वो सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है ना, तो वो मुझे मनाने मेरे पीछे पीछे जरूर आता। शंकर, यू फूल, तुम इतने दिन तक कहाँ थे? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है ना? शांत हो जाओ, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। क्या नंदिनी, मैंने बहुत कोशिश की, याद है ना, मैंने सॉरी भी कहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। ओके, अब शांत हो जाओ, रोना बंद करो। देखो नंदिनी, तुम मुझे प्रॉमिस करो फिर मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम वापस मुझे छोड़कर नहीं? बिल्कुल नहीं नंदिनी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और भला तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ? मैं यहाँ हूँ तो वो कौन, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने गलती की तो मैंने तुम्हें डांटा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सुसाइड करने जाओगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या रोहित? सॉरी नंदिनी जी, गलती साहब की नहीं थी, मैंने ही इनको बोला था। अरे रे रे बुद्धू बेवकूफ, तू मुझे सपोर्ट कर रहा था ना, अब उसको सपोर्ट कर रहा है। ओह, अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। असल में तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है नंदिनी? वो कहाँ गया? तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की क्या? उसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता है या नहीं? मैंने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने, मैं तो उसके ऑफिस भी गई थी, पर शंकर मुझे वहाँ पर भी नहीं मिला। नंदिनी देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उसका नंबर होगा क्या तुम्हारे पास? हाँ है ना, मैं तो कंटिन्यूसली उसे कॉल करती रहती हूँ पर वो फोन नहीं उठाता। मैंने तो उसके नंबर पे मैसेज भी किया था, रिंग तो बजती है पर कोई फोन नहीं उठाता। मैंने तो उसे दूसरे नंबर से भी ट्राई किया पर नो रिस्पॉन्स। मुझे फोन किया था, मेरा फोन कहाँ है? उसकी फोटो तो होगी ना तुम्हारे पास? फोटो हाँ है ना। तो देखकर इसे अचानक क्या हो गया? इसको तो पता है कि मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ। नंदिनी जी, आप इस लड़के से प्यार करती हैं? हाँ, तुम इसे जानते हो? क्या बात है, क्या हुआ? नंदिनी जी ये मर चुका है। हाँ ये मर चुका है। ये तुम क्या कह रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? साहब मेरी बात पर विश्वास कीजिए साहब, नंदिनी जी ये मर चुका है। आपको विश्वास क्यों नहीं होता? ये नहीं मर सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मर चुका है। नहीं,
तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बात मानिए, ये मर चुका है। सच कह रहा हूँ मैं। आप क्या, मैं मर चुका हूँ? मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे क्या कह रहा है तू? साहब मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये मर चुका है, सच बोल रहा हूँ। क्या हो गया बद्दू? मैं मर चुका हूँ क्या? बता, मैं मर चुका हूँ? झूठ मत बोलो, तुम पागल हो गया क्या? इसकी बात पे भरोसा मत करना कोई। नंदी नहीं, भरोसा मत करना इसकी बात पे, ये मर चुका है। ये पागल हो गया, इसकी बात पर यकीन मत करना। मर चुका है, मेरी बात पे भरोसा करो। ये मर चुका है, मैं सच कह रहा हूँ, ये मर चुका है। मैंने इसे कहा कि शंकर नहीं, सच में मैंने कहा था ना। तू बकवास बंद कर, मैं तुम्हारे साथ, ये मर चुका है। मुझ पर भरोसा है ना? मैंने अपने आप को, तू पागल मत बन, आपको से देखा, ये मर चुका है। रोना बंद करो। ए तू, सच कह रहा हूँ साहब, तुम शांत हो जाओ। साहब ये मर चुका है। खुश नहीं होगा नंदिनी? साहब मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ भरोसा, मैं जिंदा हूँ। साहब ये मर चुका है साहब, मैंने अपने आप से, मैं कैसे भरोसा दिलाऊं? शंकर, अगर शंकर मर चुका है तो बता वो मुझे कॉल कर पाता क्या? ये देखो, देखो इसे, देखो शंकर कॉल कर रहा है। उसने फोन कैसे कर दिया? हेलो शंकर, मैं संदीप बोल रहा हूँ। शंकर अब नहीं रहा, वो हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया। अबे क्या हो गया? अबे उठ। वो हो गया। नंदनी प्लीज रो मत। नंदनी भद्दू, नंदिनी रो रही है, छोटे बच्चे की तरह रो रही है। सुनना भद्दू, कुछ करना, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। ए, नंदिनी रोना बंद करो प्लीज, रो मत नंदिनी। भद्दू तुम इसे कुछ समझाओ ना। रोहित तुम इसे कहो कि रोए मत, मैं ऐसे भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम तो कुछ करो। नंदिनी को रोने मत दो,
बद्दू सुन, मैंने इसे जान से ज्यादा प्यार किया है, उसे रोते हुए मैं देख नहीं पाऊंगा। नंदिनी से बहुत ही प्यार किया, लेकिन उसके साथ इस जन्म में जिंदगी बिता नहीं पाया। ऑल द बेस्ट नंदिनी शंकर, सॉरी नंदिनी रोहित, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। All the best. मैं उन तीनों से बात करना चाहता था, उनके सामने भी गया, लेकिन उन तीनों को दिखाई नहीं दिया। मैंने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन वो मुझे सुन नहीं पा रहे थे। मैं अपनी फीलिंग्स बयां करना चाहता था, लेकिन तब पता चला कि मैं जिंदा नहीं हूं, मैं मर चुका हूं। उन लोगों के साथ बहुत बात की, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं मर चुका हूं। आप दोनों मुझसे बात कर रहे हो, सवाल भी पूछ रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ आप दोनों कौन हैं? अरे रात को तो हम लोग गाड़ी चला रहे थे ना, फिर हमारी गाड़ी कहाँ गई? रात को वो सड़ी हुई कंट्री दारू पी के कहीं ठोक तो नहीं दिया ना? ठोक दिया मतलब आप दोनों भी मेरी तरह? अरे हाँ भैया, सामने एक और बकवा देख क्या। अरे वाह, चलो इसको भी हलाल करते हैं। देखो तो कार्टून लगता है ना।